प्रिय छात्रों, आज हम पादप उत्तक संवर्धन एक परिचय, इस पर हम बात करेंगे। पादप उत्तक संवर्धन क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, पादप उत्तक संवर्धन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पौधे के किसी भी उत्तक को प्रयोगशाला में इन विट्रो कंडीशन में आर्टिफिशियल कल्चर माध्यम पर अंडर एसेप्टिक कंडीशन उगाया जाता है। और इन इंग्लिश वी कैन हैव अ डेफिनेशन लाइक इट इज़ अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग प्लांट सेल टिश्यू एंड ऑर्गन्स इन अ स्टेराइल आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड न्यूट्रिएंट मीडियम दैट कैन बी स्टैटिक और लिक्विड अंडर एसेप्टिक कंडीशंस इन विट्रो। प्लांट टिश्यू कल्चर is the most fundamental aspect of biotechnology and can be best described as in the in vitro culture of plant cells, tissue and organs under aseptic condition on a synthetic medium under controlled environment. Basically, plant tissue culture के लिए चार मुख्य आवश्यकताएँ होती है। अगर आप देखें, इसमें पहली आवश्यकता लिखी हुई है एक्सप्लांट, जिसकी परिभाषा हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली किसी भी पादप उत्तक संवर्धन के प्रयोग को शुरू करने के लिए ये पहली आवश्यकता होती है कि हमें किस उत्तक का संवर्धन करना है। दूसरा, कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम जो कि ऐसा माध्यम होता है जिसपे किसी भी कर्तोत्तक को उगाया जाता है। थर्ड, इन विट्रो कंडीशंस। इन विट्रो कंडीशंस का अर्थ होता है कि जब किसी भी उत्तक को प्रयोगशाला में कांच के पात्रों में उगाया जाता है तो उसे हम इन विट्रो कंडीशन कहते हैं। और फोर्थ, स्टरलाइज्ड कंडीशंस, क्योंकि पादप उत्तक संवर्धन का प्रयोग प्रयोगशाला में कांच के पात्रों में किया जाता है तो उत्तक को बाहरी जीवाणुओं से, विषाणुओं से और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं से बचाने के लिए निर्जमीकृत परिस्थितियों में उगाया जाता है। तो ये चार मुख्य आवश्यकताएँ होती है जिसके द्वारा हम पादप उत्तक संवर्धन का कार्य कर सकते हैं। जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि कर्तोत्तक जो है वो पहली आवश्यकता होती है। कर्तोत्तक क्या होता है? प्लांट टिश्यू कल्चर कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ प्लांट, दैट इज लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, मेरिस्टेम्स, फ्लावर एंड इवन पोलन और ओव्यूल्स। सो एक्सप्लांट इज an excise part of plant that is used to start an in vitro culture. As explant, axillary buds and meristems are most commonly used. So, हम कह सकते हैं कि कर्तोत्तक क्या है? कर्तोत्तक पौधे का वह भाग है जो कि उत्तक संवर्धन के प्रयोग को प्रारंभ करने के लिए काम में लिया जाता है। ये पौधे का कोई भी भाग हो सकता है, जैसा कि हमने आपको अभी इस परिभाषा में बताया है। स्टॉक प्लांट, और आप कह सकते हैं कि जो ऐसा पादप जहाँ से एक्सप्लांट एकत्रित किया जाता है उसे हम स्टॉक प्लांट कहते हैं। स्टॉक प्लांट से मेरा अर्थ यहाँ पर यह है कि हम जब भी उत्तक संवर्धन का प्रयोग करते हैं तो हम ऐसे पादप का चयन करते हैं जो कि सब गुणों के अंदर सर्वश्रेष्ठ हो और अच्छी यील्ड वाला हो, उसके अंदर सारे गुण अच्छे हो। उसको मानते हुए हम एक स्टॉक प्लांट का चयन करते हैं जो कि उत्तक संवर्धन में एक्सप्लांट के रूप में उस पादप का चयन किया जाता है और वो महत्वपूर्ण पादप होता है जो आगे कल्चर को इनिशिएट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में पादप कोशिकाएं किस प्रकार से एक नए पादप का निर्माण कर देती है, ऐसी उनमें क्या विशेषता होती है, उसमें जो हम पहली विशेषता है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय प्लास्टिसिटी? प्लास्टिसिटी मींस वन टाइप ऑफ टिश्यू कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम अनदर टाइप, और यू कैन से प्लास्टिसिटी अलाउज प्लांट्स टू अल्टर देयर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू बेस्ट सूट देयर एनवायरमेंट।
सामान्य शब्दों में अगर हम इसकी व्याख्या करें तो प्लास्टिसिटी क्या है? प्लास्टिसिटी पादप की कोशिकाओं में वह इलास्टिसिटी होती है जिससे वह एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से कन्वर्ट हो जाती है, आसानी से बदल जाती है। और द एबिलिटी टू इनिशिएट सेल डिवीजन फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी टिश्यूज ऑफ द प्लांट एंड टू रीजनरेट लॉस्ट ऑर्गन्स और अंडरगो डिफरेंट डेवलपमेंटल पाथवेज इन रेस्पॉन्स टू पर्टिकुलर स्टिमुलाई। और आप कह सकते हैं कि पादप की कोशिकाओं में इस प्रकार की एबिलिटी होती है, वो किसी भी कोशिका को विभाजन करने की क्षमता उत्पन्न करती है जिससे कोई भी जो ऑर्गन रीजनरेट करना चाहते हैं वो हो सकता है, और एक विशेष पाथवे के द्वारा हम उस टारगेट पर पहुंच सकते हैं। तो प्लास्टिसिटी पौधे के अंदर आगे की तरफ बढ़ने के लिए, उसके उपापचयी क्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक आवश्यक विशेषता पाई जाती है। अगला जो कंसेप्ट आता है उसको कहते हैं टोटिपोटेंसी, और हिंदी के अंदर उसको कहते हैं पूर्ण सक्तता। पूर्ण सक्तता का अर्थ ये होता है कि पौधे की किसी भी कोशिका में पूरा पादप निर्माण करने की क्षमता होती है। अगर हम सामान्य भाषा में अगर ये कहें कि पौधे की कोई भी कोशिका एक पूरा पौधा बना सकती है, अगर लेमन से ये बात कही जाए तो लेमन को ये बात शायद समझ नहीं आएगी, वो ये कहेगा कि किसी भी पौधे का निर्माण करना तो हमें बीज की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो टोटिपोटेंसी का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि पौधे की किसी भी कोशिका से पूरा पादप बनाया जा सकता है। एबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू डेवलप इनटू एन एंटायर प्लांट, ईच सेल मेंटेन्स द एबिलिटी टू एक्सप्रेस टोटल जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ द होल पेरेंट प्लांट गिवन द करेक्ट फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। द कंसेप्ट सेज दैट ईच एंड एवरी सेल हैज दैट जेनेटिक पोटेंशियल टू मेक ए कंप्लीट प्लांटलेट। यह जो कंसेप्ट है वो गॉटलिब हेबरलैंड ने 1902 के अंदर दिया था, और उसी सिद्धांत के आधार पर बाद में पादप उत्तक संवर्धन के द्वारा अनेक पौधों में इस कंसेप्ट को प्रमाणित किया जा सका, और इसी कारण से गॉटलिब हेबरलैंड को पादप उत्तक संवर्धन का जनक कहा जाता है। जैसा कि नीचे आपको दिखाया गया है कि हम किसी भी सोमेटिक सेल या कायिक कोशिका को लेकर उसे जायगोटिक एम्ब्रियो बना सकते हैं, और जायगोटिक एम्ब्रियो से हम पूरा पादप बना सकते हैं जो कि टोटिपोटेंसी का डायरेक्ट एविडेंस है। हम एक मॉडल के द्वारा, जिसे हम कह रहे टिश्यू कल्चर मॉडल कहते हैं, गाजर का उत्तक संवर्धन मॉडल, उसके द्वारा हम टोटिपोटेंसी के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। गाजर का उत्तक संवर्धन मॉडल किस प्रकार तैयार किया जाता है, और आप कह सकते हैं कि जो गाजर के उत्तक संवर्धन मॉडल के द्वारा हम किस प्रकार से पादप उत्तक संवर्धन में पूर्ण सक्तता के सिद्धांत को समझ सकते हैं। हम एक गाजर लेते हैं, उस गाजर को अच्छी तरीके से धो लेते हैं, धोने के बाद में उसके ऊपर की एपिडर्मिस और जो लीव्स होती हैं उनको हटा देते हैं। हटाने के बाद में चाकू या स्केलपल की सहायता से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। उन छोटे छोटे गोल टुकड़ों को वापस पानी से धोते हैं, उसको 0.1 मिलीग्राम पर लीटर मर्क्यूरिक क्लोराइड से निर्जमीकृत करते हैं, और निर्जमीकृत करने के पश्चात उसे एक संवर्धन माध्यम जिसमें ऑक्सीजन की अधिकता होती है और साइटोकिनिन कम मात्रा में होता है, उस संवर्धन माध्यम पर इस एक्सप्लांट को रख दिया जाता है। इस एक्सप्लांट पर कुछ समय के बाद में कैलस का निर्माण होता है, और ये कैलस आगे चल कर के जब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को घटाया जाता है तो एम्ब्रोइड
एम्ब्रियोलाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है और वो परिपक्वन पर एक वेल डिफाइंड एम्ब्रियो का निर्माण कर देता है। ये एम्ब्रियो जो कि आगे चलकर एक संपूर्ण पादपक का निर्माण कर देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी पादप की कोशिका को संवर्धित करके प्रत्येक कोशिका से हम एक पादप का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। ये जो आपको आज की बात टिश्यू कल्चर के एक फंडामेंटल कंसेप्ट के ऊपर समझाने की कोशिश की गई, आप इस लेक्चर को देखें। और भी आपको इससे संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप आगे इस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।